की रफ्तार। अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज ही करना होता तो मैं विलास भैया के पास जाकर उनसे कॉम्प्रोमाइज करता, उनसे कहता कि मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है, ले लीजिए प्रजासत्ताक और मुझे सिर्फ मेरा सहकार चलाने दीजिए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। योगेश, तुम आत्मसम्मान की बात कर रहे हो तो ये मत भूलो आत्मसम्मान हमारा भी है। अभय, ये मैं मानता हूं। योगेश, तुम चारों एंगल से क्यों नहीं सोच रहे हो? अरे ये वही डीएम है जो सारे फसाद की जड़ है, इसी के खिलाफ तो हमारी जंग चल रही है। मंथन, ये सारी बातें मैं जानता हूं, योगेश। एक तो सबसे गलत बात तुमने ये की कि तुमने हमारा विश्वास नहीं किया, तुम जाकर डीएम से मिला और अब ये सारी बातें हमें बता रहे हो। योगेश, मैंने तुमसे उस दिन भी पूछा था कि दिवाकर ने इस डीलिंग के अगेंस्ट क्या तुम पर कोई शर्त रखी, तो तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया कि इस डीलिंग में डीएम जैसा आदमी इन्वॉल्व है। मैं तुम दोनों को सब कुछ बता देना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बता नहीं पाया। शायद मैं अपने आप से डर गया था। बार बार मेरे मन में यही सवाल पैदा होता था कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, फिर मुझे उसका एक ही जवाब मिलता था कि मुझे प्रजासत्ताक को बचाना है। और तुम दोनों मेरे साथी हो, मेरी बात को समझोगे, मुझ पर भरोसा करोगे। नहीं योगेश, मैं अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। डीएम जैसे आदमी के फेवर में लिखने से तो अच्छा है कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। लेकिन अभा, योगेश, तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं डीएम के सपोर्ट में नहीं लिख सकती। अभा, मैं नहीं, तुम हमारे हेड हो, मैं नहीं चाहती कि मैं हर पल तुम्हें रोकू टोकू, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े, रुकावटें आए। इससे बेहतर यही है योगेश कि मैं ये पोस्ट छोड़कर चली जाऊं। अब मैं तुमसे हाँ योगेश, गुड बाय। अब मुझे भी चलना चाहिए। मंथन, कम से कम तुम तो ऐसी बात मत करो, तुम तो रुक जाओ। तुम दोनों मेरे हाथ हो, तुम्हारे बगैर मैं ये लड़ाई कैसे लड़ूंगा? और तुम क्या समझते हो जो मैं कर रहा हूं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूं? नहीं मंथन, नहीं, मैं मजबूर हूं। प्रजासत्ताक जितना मेरा है उतना ही तुम लोगों का भी है, उसे वापस हासिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अरे कम से कम कोई तो हो जो मेरी बात को समझे, कोई तो हो जो मुझे धारस बंधाए। तुम बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों? क्या करूं योगेश, सिवाय खामोशी के और कुछ सुनाई भी नहीं देता।
मंथन, तू जो कह रहा है बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। ये क्या कह रहा तू मंधु? कम से कम तू तो मुझे समझ, तू मेरा जिगरी दोस्त है। मैं सब कुछ समझ सकता हूं यार। तू तू जानता है मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मगर मंथन, मगर क्या नंदू, इस तरह चुप मत रह। तुझे तुझे क्या लगता है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बोल। तेरी चुप्पी, तेरा ये अधूरापन, यार नंदू बोल। तू और मैं दोस्त क्यों हैं? ये क्या सवाल हुआ? ये सवाल है, बता नंदू और मंथन दोस्त क्यों हैं? मधुकर और नंदू में दोस्ती क्यों नहीं? नंदू और कुंदन में दोस्ती क्यों नहीं? सिर्फ नंदू और मंथन ही दोस्त क्यों हैं? उसकी वजह है मंथन। मंथन सच्चा है, साफ है, आर पार है। अगर मैं सच्चाई की जंग के लिए घर कोई बलि का बकरा चाहूं तो मुझे मालूम है कि मंथन सबसे पहले आएगा। सभी जी रहे हैं लेकिन आंखें खुली रख के जिंदगी को सिर्फ तू देख रहा है, इसीलिए तू मेरा दोस्त है। अब तू मुझसे मेरी दोस्ती मत छीन। नंदू, अब अगर मैं ऐसे वक्त में योगेश का साथ छोड़ दूंगा तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। आखिर वो भी तो मेरा दोस्त है, और ऐसी मुश्किल की घड़ी में अगर मैं सहकार को छोड़ दूंगा तो वो सारे ख्वाब मिट्टी में मिल जाएंगे, वो सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाएंगी जो हमने प्रजासत्ताक को पाने के लिए लगा रखी है। मंथन, नंदू ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। आसान कुछ भी नहीं होता है। हमने आज तक उम्मीद बनाए रखी थी कि सहकार इस मुश्किल से भी बाहर आएगा। अब तो और भी मुश्किल है नंदू। डीएम ने तो कहा है कि बंगाल के घोटाले में जो उसका नाम खराब हुआ है तो योगेश को यह छापना पड़ेगा कि वो इस घोटाले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। उसकी बेगुनाही के नगाड़े बजाने पड़ेंगे हमको। तू ये कहना चाह रहा है कि तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, चारा नहीं। चुप क्यों है? क्या पूछने आया है? पूछना यही ना कि नंदू मैं अब कमजोर हो गया हूं, तकदीर के सामने मजबूरी के कारण घुटने टेक रहा हूं। नहीं, मंथन तू मुझसे कहने आया, कहने भी नहीं बल्कि जानने आया है कि अगर तू हालातों के सामने झुक जाएगा तो फिर नंदू क्या कहेगा? डरपोक, डरपोक है तू मंथन। मैं डरपोक नहीं हूं नंदू, मैं सिर्फ अपने साथी योगेश और अपने अखबार सरकार के लिए बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। बीच का रास्ता? हाँ, बीच का रास्ता। मंथन, मेरा दोस्त मंथन कभी बीच का रास्ता निकालने वाला नहीं था। बीच का रास्ता मतलब कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज हालात के साथ, तकदीर के साथ। मैं जानता हूं मैं ऐसा नहीं था, लेकिन आप तू ही बता, इस स्थिति में मैं और क्या कर सकता हूं यार? मुझसे मत पूछ यार, अपने आप से पूछ। अगर अपने आप से पूछने पर मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाता तो मैं तेरे पास क्यों आता? नंदू, तू मेरे जमीर का आईना है, तुझसे मैं अपने आप को साफ साफ देख पाता हूं। योगेश को मॉरल सपोर्ट देने के लिए मैंने उससे हां तो कह दी यार, लेकिन तब से लेके अब तक मैं एक पल भी चैन नहीं पा सका हूं।
अरे जिस प्रोफेशन के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज आज उसी प्रोफेशन में डीएम जैसे लोगों का साथ दूं मैं, ये बात मुझे भी गवारा नहीं है। मायूस मत हो। मैं क्या करूं नंदू, मैं क्या करूं? आभा ने योगेश को छोड़ने का फैसला कर लिया है, और अब अगर मैं भी उसे छोड़ दूंगा तो प्रजासत्ताक कभी आजाद नहीं हो पाएगा। भगवान है ना भगवान, उसे सच्चाई और ईमानदारी से लगाओ, अभी भी है, वो शक्ति देगा तुझे, हिम्मत ना हार। हे भगवान, मंथन को शक्ति दे। विलास, हमने न्यूज प्रिंट बंद कर दी तो उन्होंने बाहर से ले ली। अब प्रेस बंद करके हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे? मतलब उनको न्यूज प्रिंट किसने दी पता है? हाँ जानता हूं, दिवाकर ने दी है। हमें उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए था। उसी वक्त ये बात भी तय हो गई थी कि दिवाकर उन्हें प्रेस भी दे सकता है। देता है तो देने दो। बात अगर इतनी सी होती तो कोई गम नहीं था, लेकिन दिवाकर का मतलब है डीएम, और अगर डीएम योगेश को सपोर्ट करता है तो नहीं, डीएम योगेश को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो रंजीत, डीएम ने अगर योगेश का सपोर्ट दिया तो उसे वो प्रेस दिला सकता है, न्यूज प्रिंट भी दिला सकता है, इतना ही नहीं वो प्रजासत्ता के सर्कुलेशन भी कम करवा सकता है। मगर डीएम अपने मतलब के सिवा कभी किसी को मदद नहीं करता। योगेश में डीएम का बहुत बड़ा मतलब है। डीएम का ये अरमान भी पूरा नहीं होगा रंजीत। अपनी सफाई में सरकार में आर्टिकल छापने की जो डीएम ने शर्त रखी है वो योगेश कभी पूरी नहीं करेगा। इसी गलतफहमी में मत रहना, दिवाकर को थप्पड़ मारकर तुम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हो और अब दूसरी करने जा रहे हो। कोई गलतफहमी नहीं है, मैं योगेश को अच्छी तरह से जानता हूं। डीएम के बारे में सफाई पेश करना इसका मतलब यह हुआ चाचा जी का दिल दुखाना, उनसे रिश्ता तोड़ देना, और ये योगेश कभी नहीं कर सकता। निकिता से शादी करके योगेश बहुत सारे रिश्ते तोड़ चुका है। रंजीत प्लीज माफ करना, मैं तुम्हें ताने नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं। जानते हो डीएम से दोस्ती करने के लिए योगेश पहले ही अपने कदम उठा चुका है, और यही वजह है आभा मंथन और योगेश के बीच के तनाव का। आभा मंथन और योगेश के बीच में तनाव? अरे आभा तो योगेश के केबिन से ऐसे निकल गए जैसे कभी वापस नहीं आएगी। सच? हां सच। और विलास, यही मौका है आभा को अपनी तरफ खींच लेने का। योगेश को डीएम से कैसे दूर रखना यह तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं योगेश पर नजर रखूंगा। योगेश, माना कि तुम नाराज हो, माना कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, तुम जो जो करते आए, जो जो कहते आए, हम सब सहते रहे, लेकिन आज तुमने हद कर दी। डैड मैं मजबूर हूं। मजबूर कौन नहीं होता? क्या मैं मजबूर नहीं था जब मुझे 50% देना पड़ा? डैड मैं आपकी तरह इतना ऊंचा इंसान नहीं हूं, मुझमें क्रोध, लालच, ईर्ष्या ये सारी भावनाएं हैं। मैं एक आम इंसान हूं और मैं अपनी भावनाओं पर विजय नहीं कर पाया हूं। आप मुझसे इतनी भी उम्मीद मत रखिए। योगेश, अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही मुझे। डैड, योगेश तुमने बरसों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। डैड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या होना बाकी है? तुम डीएम की सफाई में आर्टिकल छापना चाहते हो और वो भी हमसे छुपाकर?
डैड मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या रास्ता नहीं था तुम्हारे पास? ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आभा ने आर्टिकल छापने से इनकार कर दिया। और तुम बहुत बदनसीब हो कि आभा जैसी एडिटर तुम्हारा अखबार छोड़ के जा रही। डैड मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा। तुमने उसे जाने के लिए नहीं कहा, तुम्हारी निष्ठाओं ने कहा। डैड मैम, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम डीएम जैसे आदमी के सफाई में आर्टिकल छापने के लिए राजी कैसे हो गए। मैं क्या करता डैड, क्या करता मैं? आज मेरे पास अखबार छापने के लिए ना न्यूज प्रिंट है और ना ही प्रेस। क्या मिला मुझे इतने सालों की मेहनत का नतीजा? सहकार मेरा अकेले का नहीं है, बल्कि उसमें काम करने वाले हर इंसान की आत्मा की आवाज है उसमें। मैं उस आवाज का गला कैसे घोड़ दूं? इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आज सिर्फ एक डीएम अकेला है जो मेरी मदद कर सकता है। मैं मजबूर हूं डैड। अगर इतने मजबूर हो तो छोड़ दो ये सब कुछ। डीएम से भीख मांगकर बिजनेस चलाने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ देता डैड, जरूर छोड़ देता, लेकिन उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं जिन्होंने सहकार की बागडोर मेरे हाथ में थमा रखी है। छोड़ तो मैं कभी भी सकता हूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या जीतूंगा क्या मरूंगा। और डैड, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह डीएम है। उसी की वजह से हमारे घर का सुख चैन टूट गया है। वो भड़ास में एक दिन जरूर निकालूंगा, मगर अभी तो बस बस बहुत हो गई तुम्हारी सफाई। क्या छापना है क्या नहीं छापना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर डीएम की सफाई में तुमने कुछ भी छापा तो उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। आभा मैं समझ सकता हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। दिल है इसलिए दिल पे गुजरती है। काश कि दिल ही ना होता। ऐसा मत कहो आभा, वैसे इस दुनिया में बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके पास दिल है। दिल में जज्बात हैं, अच्छी सोच है, विचार हैं, उसूल हैं, आदर्श हैं, और सिर्फ यही गिने चुने लोग अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। क्या मांगा है दुनिया से हमने? कितनी छोटी सी मांग लेकर हम जीना चाहते हैं, लेकिन बचपन से एक उसूल, एक आदर्श पिरोया है माँ बाप ने हमारे मन में। उसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं और बाद में पता चलता है कि सच्चाई तो एक टिमटिमाता हुआ नन्हा सा दिया है जिसे तूफान में लेकर हमें आगे बढ़ना है। मंथन, इस पूरे तूफान से गुजरने के बाद ही एक सुख और समृद्धि का रास्ता बनेगा। अब यही तो वो दिया है जिसने आज तक हमें राह दिखाई है। अब जब एक बार हमने इसे अपने हाथ में ले लिया है तो फिर शिकायत क्यों करती हो? मंथन, मैं शिकायत नहीं करती, लेकिन हर छोटे छोटे मोड़ पे ऐसी आंधी आती है कि डर बैठ जाता है। तुम घबराने वालों में से हो ही नहीं आभा। अगर तुम उनमें से होती तो तुम प्रजासत्ताक नहीं छोड़ती। तुम घबरा कर डर कर वहीं पर काम करती रहती, अपने उसूलों को लेकर कभी आवाज नहीं उठाती, और इन उसूलों को लेकर तुम आज सहकार छोड़ने की बात कर रही हो। अब जब तक तुम्हारे हाथ में यह दिया जलता रहेगा अंधेरा कभी नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम आसान काम करने के लिए हो ही नहीं आभा।